Hi everyone, I hope you all are doing great. And it's been more than 10 days हम lockdown में हैं और काफी difficult time है हम सबके लिए. But I think आप काफी productive manner में अपने बच्चों के साथ में ये time spend कर रहे होंगे. जैसे मैं भी काफी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी activities को involve कर सकूँ उसकी day to day daily life में, ताकि वो bore ना हो और ये time period जो productive manner में निकल जाए. आज के episode में आप देखेंगे कि मैंने कुछ तरह की basic paintings उसको सिखाई है, जो कि हम भी अपने childhood time के time करते थे और बहुत बेसिक है. उनमें कोई ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लीफ पेंटिंग है, फिंगर पेंटिंग है, ईयरबड पेंटिंग है और कुछ अलग टाइप की पेंटिंग्स हैं जो कि काफ़ी इजी है. तो ये पेंटिंग्स जो है बच्चों को बहुत मज़ा आता है इनको करने में, क्योंकि बच्चों को पेंटिंग और बहुत मैसी वर्क करना बहुत पसंद होता है. तो इस तरह की आप कुछ एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस लॉकडाउन के टाइम में. तो आप देखिए कि किस तरीके से मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है.
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से कुछ पिक्चर्स लिए थे, जैसे कि स्लाइस ऑफ वाटरमेलन था, उसे मैंने ड्रॉ कर दिया था, एक कैप्सिकम का पिक्चर था, एक हाउस की सीनरी थी, उसको मैंने सबको मैंने ही ड्रॉ करके उसे दे दिया था और कलर मीडियम्स प्रोवाइड कर दिए थे. फिर मैंने उसे बस एक बार इंस्ट्रक्शन दिए थे, फिर उसने ईयरबर्ड और फिंगर पेंटिंग और ईयरबर्ड और पेपर कोलाज, पेपर को टेयर कर करके स्टिक करना, ये सब उसी ने खुद ने किया था. तो ये काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया होता है जो कि हम लोग ईजिली घर पे कैरिड आउट कर सकते हैं बच्चों का टाइम पास करवाने के इंस्टेड ऑफ वॉचिंग गैजेट्स. तो आई होप आप सबको यह तरह की पेंटिंग का नॉलेज तो ऑलरेडी होगा, बट आपने ये पसंद किया होगा. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि मैं कुछ तरह की स्पेसिफिक डेमॉन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम, प्लीज़ गो इन अ कमेंट सेक्शन एंड कमेंट डाउन. इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.